जोधा उर्फ हरकाबाई कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक पर्सियन दासी थी जो धोखे से अकबर के साथ ब्याह दी गई थी। चलिए जानते हैं हरकाबाई की असली हकीकत के बारे में। मुगल एम्पायर। जब भी मुगल बादशाह अकबर की बेगमों के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम जोधाबाई का आता है, क्योंकि अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी से कौन वाकिफ नहीं है भला। हिंदुस्तान पर अकबर ने कई सालों तक शासन किया था। इस दौरान अकबर ने कई शादियां भी की। हरकाबाई अकबर की सबसे पसंदीदा बेगम थी जिनसे अकबर बहुत प्यार करता था। हालांकि इतिहास में इनको लेकर कई तरह के विवाद हैं। कोई कहता है कि हरकाबाई का पूरा नाम मरियम उज जमानी जोधाबाई था, हालांकि उन्हें जोधा बेगम, हीर कुंवर आदि कई नामों से भी पुकारा जाता था। जोधा और अकबर के निकाह को लेकर कहा जाता है कि उनका निकाह एक राजनीतिक समझौता था। यह समझौता अकबर और हरकाबाई के पिता के बीच में हुआ था। दरअसल जिसे हम जोधा बोलते हैं वह कोई राजकुमारी नहीं थी। दूसरी बात ये कि यह एक विवादित मुद्दा है जिसका राजपूत समुदाय कड़ा विरोध करता है, इसलिए यह विवादों में आ जाता है। जोधाबाई का पूरे इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं है। अकबरनामा, जो अकबर की आत्मकथा मानी जाती है, और जहांगीरनामा में भी किसी हिंदू रानी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने फिर भी अपने अपने हिसाब से जांच की और तथ्य प्रस्तुत किए। खोजबीन में एक नई बात सामने आई जो बहुत चौंकाने वाली है। इतिहास में दर्ज कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक पर्सियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुकमा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुकमा बिट्टी नाम से बुलाते थे। आमेर की महारानी ने रुकमा बिट्टी को हीर कुंवर नाम दिया। चूंकि हीर कुंवर का लालन पालन राजपूताना में हुआ, इसलिए वह राजपूतों के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थी। राजा भारमल भी उसे हीर कुंवर कहकर बुलाते थे। राजा भारमल एक चतुर राजा थे जो तलवार के साथ साथ अपनी बुद्धि का बखूबी उपयोग करते थे। वे जानते थे कि अकबर की सेना संख्या में उनकी सेना से बड़ी है। वह वृद्ध भी थे। उन्हें पता था कि अगर युद्ध होता है तो राजपूतों को तो इंतजार ही रहता था रणशौर्य दिखलाने का, परंतु वहाँ की सारी प्रजा, जो शस्त्र चलाना तो दूर, शस्त्र देखे तक नहीं थे, उनका क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ वे मुगलों की बर्बरता से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए राजा भारमल ने अकबर से संधि करना ठीक समझा। पुराने समय में राज्यों के आपसी संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए राजा महाराजा कई तरह के राजनैतिक समझौते करते थे, जिनमें शादियां सबसे प्रमुख थीं। जब अकबर ने भारमल के आगे उनका राज्य बचाने के बदले में उनकी बेटी हरकाबाई से शादी करने का प्रस्ताव रखा, तब राजा भारमल ने अपनी परसियन दासी रुकमा की पुत्री हीर कुंवर को हरकाबाई बनाकर उसका विवाह अकबर से करा दिया, जिसे बाद में अकबर ने मरियम उज जमानी नाम दिया। चूंकि राजा भारमल ने उसका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में हीर कुंवरनी को राजा भारमल की पुत्री बता दिया, जबकि वास्तव में वह कछवाह राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी। राजा भारमल ने यह विवाह एक समझौते की तरह किया था और दासी पुत्री हीर कुंवर ने अपना राज्य बचाने के लिए यह बलिदान दिया था। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।